गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि अभी अभी ये शॉप पे गए हैं, तो शॉप पे आते ही इनका फोन आ गया मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं चाय पी रही हूँ। कह रहे हैं आप दुकान पे आ जाओ क्योंकि सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ रखे हैं। देखो सब्सक्राइबर बहुत दूर से आते हैं बेचारे मिलने के लिए, अपना टाइम भी उनका अपना टाइम भी देते हैं, सब कुछ देता है, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि वो हमसे प्यार करते हैं तो हम भी उनसे प्यार करें। तो फटाफट मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ दुकान पे, क्योंकि आपको पता है घर में तो बहुत खिलड़ा मचा हुआ है, घर में तो हमारे बैठने की जगह नहीं है। तो मैं फटाफट फिर शॉप पे गई, तो मैं कहा शॉप पे जा रही हूँ, शॉप पे जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। ये देखो गाइज, हमारा बेड बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा का पूरा सरमाइका लगाया है, पूरा का पूरा। ये देखो इसके अंदर भी और गाइज इसके ऊपर भी, देखो पूरा सरमाइका लगाया है। और ये देखो ये सारी पट्टी लगाई है इसके ऊपर। पहले यहाँ पर जो होती थी लकड़ी की बीडिंग लगा करती थी मैंने, जब मैंने अलमारियाँ बनवाई थी तो हमारे, देखो ये देखो गाइज, ये अलमारी में सारी लकड़ी की ये बीडिंग लगी हुई है, लकड़ी की बीडिंग है। मगर आजकल लकड़ी की बीडिंग नहीं लगती, आजकल ये सारी पट्टी लग रही है, फेविकोल से चिपकाते हैं। मतलब नए नए काम है, मतलब सब कुछ एडवांस होता जा रहा है, नए नए काम है गाइस। ये पट्टी लगा रहे हैं, हर बारी जब भी हम कोई ना कुछ बनवाते हैं सब नया आता है। और बेड बहुत मजबूत बन रहा है गाइस, बहुत मजबूत। घर का बना हुआ बेड की बात ही अलग है। आज लंच में बन रहे हैं आलू के परांठे। दो तीन दिन से बहुत दिल कर रहा था आलू के परांठे खाने का, तो आज मैंने आलू उबाल ही लिए, ज़्यादा उबाल लिए ताकि रात को इसकी थोड़ी सब्जी बन जाएगी। और एक आलू गाइस देखो बिल्कुल फट गए, कई बार उबालते उबालते गाइस फट जाता है। तो आज खाते हैं गर्मा गर्म आलू के परांठे दही के साथ। बस आलू के परांठे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने दो इनके लिए बनाए हैं, ये तो खा चुके हैं, और मेरे ये दो हैं, साथ में दही है। दही के साथ वैसे भी आलू के परांठे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, या अचार के साथ खा लो, चटनी भी है। मगर थोड़ी देर में फिर अब आधा पौना घंटा छोड़ के चाय बनाएंगे, क्योंकि दही खा रहे हैं ना, दही के साथ आधा पौना घंटे बाद ही चाय बनाएंगे। हाँ गाइज, ये मेरा पूरा बेड है, ये इतना ऊंचा बेड बन गया है। पहले मेरा ऊंचा नहीं था, मैंने आजकल ऊंचे ऊंचे बेड चल रहे हैं। अब ये देखो जो लकड़ी वाला है कारपेंटर, सारा अपना काम करके चला गया है। और ये देखो गाइज, यहाँ पर मैंने ये इस जिस कलर का बेड है उस कलर का मैंने यहाँ पर सनमाइका लगवाया है, मैंने यहाँ कुशन नहीं लगवाया, क्योंकि देखो डॉगीज भी हैं, वो क्या करते हैं पंजे मार मार के कहीं फाड़ ना दे, इसलिए मैंने यहाँ पर। और एक ये देखो इस साइड, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये प्लाई लगवा ली है, ठीक है, पीवीसी है, ये पीवीसी है, पीवीसी की प्लाई है, बहुत अच्छी है, मतलब बेड से बिल्कुल कलर करती हुई मैंने लगा ली है। और ये देखो बेड के ऊपर भी ये सारा, ये पूरा इसके ऊपर गद्दा आएगा। अब मैं कल या परसों जाऊंगी, गद्दे पसंद करके आऊंगी। यहाँ पर सारी कुशनिंग होगी, पूरे कुशन बनेंगे जो कुशन से बनता है, यहाँ भी और यहाँ पर भी। कल जो है ये कारपेंटर सारा अपना काम करके चले गए। ये गाइस ये है इसका, ये उठाने वाला, यहाँ से ऐसे उठाना पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ पर कुशन लगेंगे बिस्कुटी कलर का, मैं जो बनवा रही हूँ, कल आप देखना कपड़ा आएगा तो कल वो जो आएंगे जो कुशन बनाने वाले होते हैं वो आके यहाँ पर सारा बना के जाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। कारपेंटर ने जितना अपना काम करना था सारा करके बहुत खूबसूरती से, बहुत मतलब कि इतना मजबूत बेड बनाया गाइस, मैं भी ऊपर चली जाऊँगी, मगर बेड जिंदा रहेगा। आज मेरी भी 54 इयर्स की हो गई है उम्र, कितना रहना है, आजकल 60-65 से ऊपर कोई भी नहीं जीता। मतलब बेड रहेगा, मैं चली जाऊंगी, ये मेरी यादगिरी है बच्चों के पास रहेगी कितने सालों तक। वो कहता है आप 40 साल तक बेड यूज़ करो तब भी ना ये टूटेगा, बहुत मजबूत बन गया। और बेड मेरा इसी स्किन कलर का ही है, मिलता जुलता, मतलब इससे ये फर्श से टहनों से मिलाई भी काफ़ी सारी हो रखी थी, तो मैं सोच रही हूँ इसका घी निकाल लूँ। और पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले मिलाई का मक्खन निकालती हूँ फिर मैं उसका घी निकालती हूँ, तो साड़ जो होती है कम निकलती है। मगर अब घर में काम चल रहा है तो इतना टाइम नहीं है, तो मैंने सारी मिलाई साड़ने को रख दी है। और चिमनी बहुत तेज़ चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये जब मिलाई का घी बनता है ना तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो आपको ही पता होगा घर में जब बनाओ तो बहुत गंदी गंदी सी स्मेल आती है जब घी बनता है, तो इसलिए मैंने चिमनी तेज चला देती हूँ। अभी चिमनी बंद कर दी है क्योंकि आपको आवाज़ आए, जैसे ही मैं वीडियो रखूँगी तो चिमनी तेज चला दूँगी ताकि इसकी जो हमक है सारी ख़त्म हो जाए। मैंने जो मिलाई है वो नॉनस्टिक कढ़ाई में रखी है। नॉनस्टिक कढ़ाई में ये फ़ायदा है कि इसको चिपकती नहीं है, यानी कि अगर किसी दूसरी कढ़ाई में रखते हैं ना तो सारा तल्ला जम जाता है, यानी कि मिलाई चिपक जाती है नीचे। नॉनस्टिक में बिल्कुल घी नहीं चिपकता, बिल्कुल आराम से मिलाई सड़ जाती है और घी निकल जाता है। ललिता क्या कर रही है? अरे क्या करना है, झाड़ू मार रही हूँ, थोड़ा सा गंदा नजर आ रहा था, तो ये सारा देखो कितना गंदा है,
हाँ वो तो निकलेगा सारा गंद। देखो ये सारा, ये देखो ये सारा गंद, मैं एक तरफ इकट्ठा करके रख दूं ना, अब सारा काम हो गया है, बस कुछ नहीं का काम रह गया। अच्छा वो सुबह आएंगे कुछ नहीं, मैंने रामवीर को फोन मार दिया, मैं ऐसा ना हो कि कल का दिन खराब हो जाए। वो कह रहे भाभी आप चिंता मत करो, कल का दिन खराब नहीं होगा, कल आपकी कुछ नहीं सारी करके जाएगा। चल एक काम कर, मेरी बात सुन, तुम थकी होगी, एक काम जहाँ से डोसा अच्छा लगता है ना, वहाँ से डोसा का करा दे, चला तभी मैं दुकान जल्दी आ गया हूँ। हाँ जल्दी आ गया, इसीलिए जल्दी आया हूँ, बेचारों का कोई बात नहीं, साफ कर दो दियो। चल मैं तेरे डोसा खिला के लाऊं, छोड़ दे इसको। अरे छोड़ कैसे दूं, बीच में, अरे बाद में कर लियो ना, चला डोसा खिला के लाता हूँ। चला अच्छा चलो चल छोड़। डोसा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ रश है, और ये मुझे कह रहे हैं खाने को, और मैं मना कर रही हूँ कि मैं खाने को, क्योंकि अंदर भी सारी वेटिंग चल रही है, तो मैं इनको कह रही हूँ आप पैक ही कर दो। तो मैं भैया से पूछती हूँ, भैया ओनियन मसाला डोसा बनाते हो ना, है ओनियन ऊपर डलता है, हाँ तो एक ओनियन मसाला डोसा बना दो, हाँ पैक करना है भैया। बना नहीं अभी टाइम लगेगा भाई, पहले मैं खाने आई थी, मैं सोचा मैं खा लेती हूँ, मगर अब खाने का छोड़ के पैक ही हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। अंदर बन रहा है उन्हें जोल, तो भाई जल्दी कर देगा, गर्मी बड़ी है भैया बाहर। नए पलंग का मुहूर्त हो चुका है, ललता ने अपना डोसा खाना स्टार्ट कर दिया है, मेरा लग दिया है, क्योंकि मेरे को तो बिना गद्दे वाला बेड बहुत अच्छा लगा है। तो फिर ऐसे बिना गद्दे वाला बेड, तो बिना जो बैक है वो ही ऐसे रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं, पैसा बच जाएगा, है ना, पैसा बच जाएगा, वो ही नहीं करानी पड़ेगी। हाँ तूने मुहूर्त तो कर ही दिया है, गाइस डोसा खा लो, ये तो मुझे बोलने नहीं देंगे। हाँ तो बोल ले। तो मैंने बुलवाया ओनियन मसाला डोसा, ये पूरा तो मैं खा नहीं सकती, कन्नू तू भी खा लियो, बहुत तो सही कन्नू, जवाब तो दे दे। हाँ खा रहा हूँ, बस ये स्टिक दे रहा था, एक सेकंड दे चुकी हूँ मैं, एक सेकंड चल दे दे, अभी दिए, अभी हाँ अभी दिए हमने स्टिक, आके मेरे साथ खा ले, और आप भी खा लेना पूरा, मैं नहीं खा सकती क्योंकि जब इसे प्याज डल जाता है ना बहुत हैवी हो जाता है। मैं तो तेरे को बता, ले खाना लेट ही खाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कर लूँ खा ले, मैं 11:30 रखाऊंगा, ठीक है ना, तू खा ले। लता क्या कर रही है, ऐसी बैठी हूँ टीवी देख रही हूँ, देखो सामने टीवी देख रही है। अच्छा खत्म हो गया अनुपमा, खत्म हो गया जरा, बनाने जा रही हूँ रोटी। चल अच्छा मेरी बात सुन, पहले आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, हाथ आगे कर, क्या करना, अरे हाथ आगे करना, आंखें बंद कर, दोनों आंखें बंद कर, देख प्लीज रिक्वेस्ट है, बंद कर ले हाथ, बंद कर ले हाथ, अब खोल, अब हाथ खोल, क्या है देख, एंगेजमेंट रिंग। अच्छा अच्छा कैसे एंगेजमेंट रिंग, कैसी लग रही है, बहुत सुंदर है, ये आसपास गोल्ड की पत्ती आ रही है, साइड में एक डायमंड देख, कितने अच्छी लगे, कितने बटरफ्लाई बनी है ना, आजकल ब्रॉड अच्छी लगती है, आजकल ना ब्रॉड रिंग जो चल रही है ना, थोड़ी ब्रॉड चल रही है, बड़ी बड़ी कारीगर देखा था बना के, देख कैसे लग रही है, पर नहीं मैं ऐसे देख से कौन सी कोई खराब हो गई, दिखा जच रही है, स्मार्ट लग रही है, स्मार्ट है ना, सुंदर डायमंड की डिग्री, वैसे ही इतनी स्मार्ट होती है, पूछो मत, जहाँ पर डायमंड नाम आ जाता है वहाँ तो स्मार्टनेस ऐसे ऐसे करती है तितली। निक्की हुए और नाली दिखा, अरे निक्की, हाँ जी इधर आ, कितनी बार भैया भी बुला चुके हैं, भैया तो आ दो मिनट, रोटी खाने लगी है, दो मिनट सुन ले, दो मिनट सुन ले, खाना बना रही थी, ये देख एंगेजमेंट रिंग स्कूटी है, पूरे घर में मजाक नहीं करते सारे लेडीज में से, जब मैं जितना मर्जी को चलता स्कूटी चलानी मुझे नहीं आती, ना मुझे आती है, ना सोनिया को, ना डॉली को आती, तेरे को ये तो चलाती है, क्या मैं नहीं सीख सकती थी, मेरे को दो दो तीन दिन स्कूटर थे, सीखी ही नहीं मैंने, बस यही सोच के कि मेरे को चोटना लग जाए, चोटना बस, तो चोट होना लगती है, लग भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, दोबारा खड़ा चाहिए, अरे कोई बात, स्कूटी है, सही कह रही है, सही कह रही है, स्कूटी गिरा दो खुद खड़े हो गए, सही बोला, सही बोला, अरे पैसे करती थी, अरे हमारा स्कूटी को छोड़ देती थी, खुद खड़ी हो जाती थी, सही कर, अरे स्कूटी का क्या, फिर आ जाएगी, हमारा रोटी पानी सब बंद हो गया भैया, कौन बनाएगा, रिंग अच्छी है ना, बस इसलिए तेरे को बुला रहे थे, खाना खा ले, देसी घी बिल्कुल गाइस बन चुका है, इसकी ढक्कन उठाते ही गाइस इतनी अच्छी सुगंध आती है, इतनी अच्छी आती है पूछो मत, अपने एक बात है घर का जो देसी घी है ना उसकी तो बात ही अलग है, चाहे देखो साड़ साड़ा इसको मैं निकालूंगी, इनको बोलती हूँ कि डब्बे में डालेंगे छानने से छान के, गाइस घर का बिल्कुल शुद्ध देसी घी, ये देखते हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं अंदर बैठ के,
मैं ये कह रही थी, मैं कहा आप रिंग ऐसे दिखा रहे हो हाथ में और सारी शाइनिंग खराब हो जाती है। डब्बी लेके आते हैं ना, उसको लाइट वाली डब्बी में डालते हैं। अरे तेरे सामने कारीगर, अभी तो कारीगर घर में देखे, लेट लेट आया कारीगर दुकान पे, मैं बड़ा सुखा रखा था। वैसे आपकी दुकान बड़ी थी, मैं घर पर आया हूँ, घर पर आके उसने मेरे को रिंग दी है। कल मैं जाऊँगा दुकान पे, डब्बियाँ दुकान पर लाइटिंग वाली, गोलू और पायल को भी टॉप्स देके आई थी जब लाइटिंग वाली डब्बी थी ना, वैसे दे दूंगा, वैसे डालना वैसे ले। और उससे ना उससे लुक जब लाइट जलती है ना उससे लुक अच्छी आती है, लुक बहुत अच्छी आती है, ऐसे लुक खिला हुआ आ रहा है फूल की तरह। हाँ, ये बटरफ्लाई खिलेगी, ललता का देखो कितना फायदा उठा रही है बैठ का, है ललता तो कितना फायदा उठा रही है बैठ का, गद्दे नहीं है कुछ नहीं है, वो किचन में खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए तो बैठ के ऊपर बैठ के आना बोल रही है। मेरी ना टांगे हल्के हल्के दर्द हो रही थी तो मैंने कहा चलो बेड पे बैठ जाती हूँ, बेड पे गद्दे होते तो कभी ना बैठती। और सबसे बड़ी बात है तूने पानी 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 गिरा दिया, वो गिर क्या होगा, और पानी पता है पता है पानी गिरे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई लगी है अभी कपड़ा मारोगे साफ हो जाएगा। जब तभी मैं आपको बार बार कह रही हूँ गद्दे आएंगे, महंगे आते हैं गद्दे, पैसा वेस्ट मत करो, ऐसे ही लेट जाओ। हाँ ऐसे ही लेट जाओ, सही है ना, ताकि कमर, ताकि सही ताकि तू रोज आटा गूंदे और गीला करे, कपड़ा जो मर्जी करे, ठीक है ना। और क्या गाइस, कन्नू भी ब्लॉगिंग करना चाहता है तो मुझे कह रहा था मम्मी मैं अपना क्या नाम रखूं ब्लॉग का, तो गाइस आप मुझे कल कमेंट करके सारे बताना कि कन्नू क्या रखे। चीना का तो है क्वीन स्वाति, अब इसका बताना कि क्या रखे। इसके पापा ने बताया है कि कन्नू किंग ब्लॉग्स, कन्नू किंग ब्लॉग्स। अब बताओ मुझे तो कोई खास इतना जच नहीं रहा, मगर कन्नू से अभी पूछा नहीं गया, मगर आप बताना कि कन्नू का जो ब्लॉग का नाम है हम क्या रखें, बहुत अच्छा से बताना गाइस, और जिसका मुझे पसंद आएगा मैं वही नाम रखूंगा, जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और मुझे बताना, ठीक है। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9 आपको याद हो गई होगी, रोज बोल बोल के याद हो गई होगी। और फेसबुक की जो आईडी है फैमिली चैनल, इसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ये हमें जरूर बताना। बाय बाय, गुड नाइट।